नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ प्रगति वर्मा के बारे में। सो गाइस, आप लोग प्रगति वर्मा को जानते होंगे, वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर है और इनके यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन से ऊपर के सब्सक्राइबर्स हैं। प्रगति वर्मा की हर दूसरी वीडियो हमें यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर देखने के लिए मिल जाती है, भले ही वो वीडियो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो या ना हो, लेकिन जब भी मैं ट्रेंडिंग सेक्शन खोलती हूँ तो उनकी वीडियो वहाँ पर मेरे को चिपकी हुई मिलती है। मतलब यार, लिटरली आप मेरे को एक बात सच्चाई के साथ बताइए, अपने दिल पर हाथ रखिए और मेरे को एक बात बताइए कि प्रगति वर्मा की अभी जो रीसेंट वाली वीडियो थी जिसमें उन्होंने छोटा भीम और चुटकी वाला कुछ एक्ट किया था, क्या वो वीडियो इतनी ज़्यादा डिजर्विंग थी कि वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आए? मतलब यार, मेरे को लिटरली बताओ। मैंने भी वो वीडियो देखी, लेकिन उस वीडियो में ऐसा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया कि वो वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे पहुंच जाए। हाँ, अगर ट्रेंडिंग नंबर 20 पे होती, 35-36 पे होती तो एक बार के लिए समझ में आता, लेकिन ट्रेंडिंग नंबर 1 के लायक मेरे हिसाब से वो वीडियो नहीं था। बट स्टिल वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चिपका हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है प्रगति वर्मा के लिए कि वो आगे बढ़ रही हैं और यू नो, बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बट कहीं ना कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग नहीं था। और मेरे को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ट्रेंडिंग पे आ रही है, डेफिनेटली मैं जेलस नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे कॉमेंट्स में कि मैं जेलस हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट एक चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा बहुत ट्रिगर करती है प्रगति वर्मा के बारे में। सो गाइस, प्रगति वर्मा के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 5 महीने पहले, जिसमें मैंने लिखा था उनको कि कॉपी करना बंद करो बहन, इस तरीके का वीडियो मैंने बनाया था। और वो वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि प्रगति वर्मा उस वीडियो को देखे और यू नो, वो कॉपी करना थोड़ा सा कम कर दे। बट गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रगति वर्मा अभी भी वैसे ही कॉपी करती है जैसे वो पहले करती थी। मतलब यार देखो, आप अगर किसी से इंस्पिरेशन लेते हो वो बहुत अच्छी बात है, आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हो, आप किसी को पसंद करते हो, आप उसकी वीडियो आइडिया ले सकते हो, जैसे वो वीडियो बनाता आप बना सकते हो, ये चीजें आप कर सकते हो। लेकिन किसी का वीडियो पूरा का पूरा उठा लेना, उसे सिर्फ अपनी भाषा में बोल देना और उसे अपने चैनल पे डाल देना, वो तो सरासर गलत है ना। यहां तक कि प्रगति वर्मा का कई वीडियो मैंने ऐसा देखा है जिसमें उन्होंने एक्यूरेट डायलॉग्स के साथ, बिल्कुल डायलॉग्स के साथ सामने वाले की वीडियो को कॉपी कर लिया है, जो कि चीज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि उनके चैनल पर खुद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उनकी खुद इतनी बड़ी ऑडियंस है, तो उनका फर्ज है कि वो अपना कॉन्टेंट लेकर आए, ना कि किसी का कॉन्टेंट यूं का जो का त्यों उठा के अपने वीडियो में डाल दे। वो बात मुझे कहीं ना कहीं गलत लगती है। सो प्रगति वर्मा ने जो है एक वीडियो बनाया था, अभी टाइम हो गया है उनकी वीडियो को, जिसमें उन्होंने 5 मिनट क्राफ्ट्स को जो है रोस्ट किया था कह सकते हैं, तो वो वाला वीडियो मैंने देखा था। वो वीडियो पूरा का पूरा कॉपी किया गया था एक फॉरेन यूट्यूबर से। एक फॉरेन यूट्यूबर है, JXC उनका नाम है, उस यूट्यूबर की वीडियो से सेम टू सेम डिट्टो कॉपी किया गया था प्रगति वर्मा का वीडियो। और जो JXC है, उन्होंने वो वीडियो काफ़ी टाइम पहले डाल दिया था प्रगति वर्मा की वीडियो से, तो सीधा सीधा यही मतलब है कि प्रगति वर्मा ने उनका वीडियो कॉपी किया था। मतलब जो JXC ने डायलॉग्स बोले थे उस वीडियो में, वो इंग्लिश में थे, प्रगति वर्मा ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल दिया था, बाकी कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाले गए थे। यहाँ तक कि जो साउंड इफेक्ट JXC ने अपनी वीडियो में डाले थे, वही प्रगति वर्मा ने अपनी भी वीडियो में डाल दिए थे। तो ये चीज ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रिगर किया। मैं आपको जो है, आपको भरोसा नहीं होगा मेरे को पता है, तो मैं यहाँ पे जो JXC की वीडियो है उसका एक जो हैक है, क्योंकि वो 5 मिनट क्राफ्ट में हैक्स को रोस्ट कर रहे हैं, तो उसका एक पार्ट दिखाऊंगी, फिर प्रगति वर्मा की वीडियो का वो पार्ट दिखाऊंगी जिसमें वो चीज़ कॉपी की गई है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी है, कुछ भी अलग नहीं किया गया है। मैं अगर चाहूँ तो पूरी की पूरी वीडियो प्ले कर सकती हूँ और दिखा सकती हूँ आपको प्रूफ के साथ कि पूरी की पूरी वीडियो कॉपी है, लेकिन फिर मेरी वीडियो में मेरा क्या रोल रह जाएगा? तो इसी के लिए मैं सिर्फ एक हैक दिखाऊंगी, पहले प्रगति वर्मा का नहीं, पहले JXC का दिखाऊंगी वो वाला हैक, और फिर वही वाला हैक मैं आपको प्रगति वर्मा का दिखाऊंगी, जिससे आप लोग सिमिलैरिटी मैच कर लेना कि दोनों कंटेंट में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, और JXC ने वो वीडियो पहले अपलोड किया था, तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। तो गाइज, अभी आप ये वीडियो की क्लिप देख। Do you want to put your glasses upon your head, but the top of your forehead is too far away, and the thought of your glasses being all the way up there gives you separation anxiety? Just attach a hook to your face. क्या आपको अपना चश्मा अपने फोरहेड पे रखना है? लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपने फोरहेड पे ही एक हुक चिपका लो, जिससे आप अपना चश्मा वहाँ पे रख सकते हो। सो गाइज, आपने देखा ये जो मैंने अभी आपको वीडियोस के पार्ट दिखाए, ये तो पूरा वीडियो भी नहीं है। मैं आपको दोनों वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप खुद वो वीडियो देख लेना और डिसाइड कर लेना कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। लेकिन पूरी की पूरी वीडियो कॉपी थी। उस वीडियो में सिर्फ एक हैक था जो कि मैगी वाला हैक था, वो जो हैक था वो सिर्फ प्रगति वर्मा ने अपनी तरफ से किया था, अदरवाइज पूरी की पूरी वीडियो कॉपी थी। और ये तो सिर्फ एक वीडियो है, ऐसी और भी ज़्यादा वीडियोज होंगी जो कि प्रगति वर्मा ने किसी दूसरे चैनल से उठाई होगी। और यहाँ तक कि दूसरे चैनल की पूरी वीडियो उठा लेने के बाद, जो का तो उठा लेने के बाद भी प्रगति वर्मा ने उनको कहीं पर
क्रेडिट नहीं दिया था, ना डिस्क्रिप्शन में दिया था, ना ही कॉमेंट में यू नो क्रेडिट देके पिन किया था, तो ऐसा भी उन्होंने नहीं किया था। अपनी सारी डिटेल्स प्रगति वर्मा बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन में डाल देती है, अपने इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, हर जगह का लिंक डाल देती है, लेकिन एक जो उनको क्रेडिट देना था वो भी उन्होंने नहीं दिया। JXC उनसे बहुत ज्यादा छोटे यूट्यूबर है, 3 लाख उनके सब्सक्राइबर्स है, प्रगति वर्मा के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, और अगर आप किसी अपने से छोटे चैनल का कॉन्टेंट उठा रही हैं तो आपका ये फर्ज है कि आप जो है उसको इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी कमेंट वगैरह में उसको क्या करें कि उसको पूरा वो दे कि हाँ भाई हमने यहाँ से इसको क्रेडिट दे। लेकिन प्रगति वर्मा ने ऐसा नहीं किया, तो ये चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया। दूसरी चीज़ प्रगति वर्मा के बारे में, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि वो चैलेंजेस अपने चैनल पे अपलोड करती हैं कई तरीके के, वैरायटी के साथ। बहुत अच्छी बात है, आप जो है चैलेंजेस अपलोड कीजिए, लेकिन चैलेंजेस के भी जो आइडियाज़ होते हैं वो ज़्यादातर कॉपीड होते हैं फॉरेन यूट्यूबर से, और उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप किसी के भी आइडिया कॉपी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालिए। तो उस चीज़ के लिए मैं उनसे परेशान नहीं हूँ कि वो आइडियाज़ कॉपी करती है, आइडियाज़ आप कॉपी कर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो चैलेंजेस बता रही हैं अपनी वीडियो में, जो चैलेंजेस आप कर रही हैं, कम से कम उसे ठीक से तो करिए। मतलब प्रगति वर्मा लिटरली, प्रगति वर्मा जो है अपने चैनल पे वीडियो डालती है जिसमें वो लिखती है कि 10 रुपए में वो 24 घंटे सर्वाइव करेंगी, और 24 घंटे में वो जो भी चीज़ खाएंगी वो 10 रुपए के अंडर खरीद के खाएंगी। तो जब वीडियो की शुरुआत होती है तो बहुत अच्छा, भाई उन्होंने 1 रुपए का जलजीरा खरीद लिया, इस तरीके की 1-2 रुपए की चीज़ से उन्होंने काम चलाया, ठीक है। उसके बाद वो शाम के टाइम पे अपने एक आंटी थी उनके घर गई, वहां से पूरा अच्छे से भरपेट खाना खा के आ गई, जो भी उनको आंटी ने दिया है ना मेहमान नवाजी के तौर पे, वो सारी चीजें खा गई, और उसके बाद जो है वो बोल रही हैं कि हाँ भाई हमारा चैलेंज पूरा हो गया, 10 रुपए में हम 24 घंटे रह लिए। तो ये कैसा चैलेंज हुआ? अगर आपने चैलेंज लिया है 10 रुपए में 24 घंटे रहने का, तो आपको सिर्फ 10 रुपए खर्च करने थे पूरे के पूरी वीडियो में, और सिर्फ 10 रुपए में सारी चीजें खानी थी आपको। ऐसा नहीं कि भाई आंटी के घर गए आप मेहमान बन के, तो वहां पे उन्होंने चीजें दी तो आपने वो सारी की सारी चीजें खा ली, फिर ये 10 रुपीज चैलेंज कहाँ से हुआ खाने का? आपने तो वहां पे भी जाके खा लिया ना, तो फिर ये 10 रुपीज चैलेंज तो कहीं से हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से वो चीज भी काफी गलत है, उनको पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ 10 रुपए की चीज़ में दिखाना चाहिए था, जिसमें वो लंच भी, डिनर भी, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ उस 10 रुपए में करती हैं, बट ऐसा तो कुछ नहीं था। उन्होंने पूरा का पूरा यू ना भरपेट नमकीन केला वेला सब खा लिया, और उसके बाद कहती कि चैलेंज खत्म हो गया। तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत लगी, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। एक तरीके से मेरे को वो चीटिंग लगा उस वीडियो में, कि जैसे प्रगति वर्मा ने मेरे को चीट किया हो, अपनी ऑडियंस को चीट किया हो, ऐसा मेरे को लगा, ठीक है। बस ये वाली चीज़ मेरे को उनके बारे में बोलनी थी। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि प्रगति वर्मा से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली, वो सब लोग बोलेंगे मेरे को कि मैं उनसे जलती हूँ, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं जलती। मैं इस चीज़ को बहुत क्लियरली बोलूंगी कि वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उनकी खुद वीडियोज़ देखती हूँ, जब भी तो मैं उनके बारे में वीडियोज़ बना पा रही हूँ। वो मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगती है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, वो बहुत क्यूट है, बट जो चीज़ें गलत है कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो गलत ही है ना। और एज अ फैन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें बताएं कि देखो ये चीज़ें सही नहीं है। और 1 मिलियन आपके सब्सक्राइबर है, ये चीज़ भी सही नहीं है कि आप किसी का कॉन्टेंट जो कर त्यों उठा के अपने चैनल पर डाल दें, दिस इज़ रियली रॉन्ग। और उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मतलब कॉपी भी करना था तो आप आइडिया कॉपी कर सकती थी, कम से कम आप डायलॉग अपने आप के रखती, बट डायलॉग भी ऐसा हिंदी में बोल देना, बस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल देना, सरासर गलत है। उसके बाद क्रेडिट भी ना देना बहुत गलत चीज है। तो वो वाली एक बात है, बस इस वीडियो में इतना ही मेरे को बोलना था उनके लिए, और किसी के लिए कोई हेट नहीं है। जहां तक प्रगति वर्मा और राम्या वासुदेव की बात थी कि कौन किसको कॉपी करता है, मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपकी क्या राय है, तो इस बारे में तो मैं भाई मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं राम्या वासुदेव की वीडियोज नहीं देखती, मैं प्रगति वर्मा की देखती हूँ, तो मेरे को उनका पता है कि वो थोड़ा बहुत कॉपी करती हैं। बट जहां तक हो सकता है भाई राम्या वासुदेव भी करती होंगी उनकी, अब मेरे को श्योर तो है नहीं, बट हाँ शायद करती हूँ, तो इस चीज़ का मेरे को क्लियर नहीं है। और मैंने वीडियो देखा था प्रगति वर्मा के लिए एक, कि कल का लौड़ना ने उनको रोस्ट किया था अपने चैनल पे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया वो रोस्ट, मेरे को तो बिल्कुल फालतू वीडियो लगा और मेरे को बहुत पसंद नहीं आया। मेरे हिसाब से प्रगति वर्मा को भी पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि उसमें फैक्ट्स के साथ बात नहीं हुई थी उस वीडियो में, वो सिर्फ उनका मजाक उड़ा रहे थे जितना मेरे को लगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी गलत लगी। मैं कल का लौड़ना को बोलूँगी कि आप अपने उम्र के लोगों को रोस्ट करिए, है ना, बच्चों को रोस्ट मत करिए। प्रगति वर्मा उनसे बहुत छोटी है, बट वो प्रगति वर्मा पर रोस्ट वीडियो बना रहे थे तो मुझे बहुत पसंद नहीं आई ये बात। भाई हम जैसे एक एज के हम लोग रोस्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, कुछ चीज़ें बोल सकते हैं, वो चीज़ें चल जाती है, लेकिन इतने बड़े जो है कल का लौंडा उनको रोस्ट कर रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये बात एक बात है। और बस एंड में यही बोलूंगी कि किसी के लिए कोई हेट नहीं है, मेरे को वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, बट जो चीज़ें गलत है वो गलत ही रहती है। तो मेरे हिसाब से प्रगति वर्मा इस चीज़ पर काम करेगी, और अभी की जो उनकी वीडियोज़ है वो बिल्कुल भी कॉपी नहीं है, ये भी मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो सारी देखी है, जो रिसेंट वाली है, सिंचन वाली और भीम वाली सारी देखी है, लेकिन वो कहीं से कॉपी नहीं है, बट हाँ अच्छी वीडियोज है, ठीक है।
तो बस इस वीडियो में मेरे को इतना ही बोलना था, और किसी के लिए कोई हेट नहीं है, और मेरे को बहुत अच्छी लगती है प्रगति वर्मा। और कल का लौंडा आप प्लीज़ अपने जैसे अंकलों को रोस्ट करिए, बच्चों को रोस्ट मत करिए, मेरी आपसे एक यही गुजारिश रहेगी। क्योंकि अच्छा लगता है अंकल अंकल को रोस्ट करे, बच्चे बच्चों को रोस्ट करे, चलता है, अच्छा लगता है, बट अंकल बच्चों को रोस्ट करे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करूँगी, और कुछ मेरे को बोलना नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच।